इस क्षेत्र में अक्सर तनावपूर्ण स्थितियां बराबर बनती रहती हैं। मैं कह सकता हूं कि यह पूरा का पूरा क्षेत्र एक कंफ्लिक्ट हॉटस्पॉट बन गया है। शिप्स और सबमेरीन और एयरक्राफ्ट की तेजी से तैनाती आप लोगों ने की है। मैं किस तनाव की बात कर रहा हूं? इंडो चाइना स्टैंड ऑफ की बात कर रहा हूं। यदि मैं कहूं कि इस प्रकार के जो कैरियर्स बन रहे हैं सचमुच एक ब्रह्मास्त्र के रूप में यह काम करेंगे, तो यह भी कहना एग्जैगरेशन नहीं होगा। मित्रों, यदि मैं इंडियन नेवी की बढ़ती शक्तियों की बात करता हूं तो इसका संबंध केवल हमारे टेरिटोरियल रीजन तक ही सीमित नहीं होता है। हमारे इंटरेस्ट इंडियन ओशन रीजन और इसके आगे के क्षेत्रों तक भी पूरी तरह से व्याप्त हैं। यदि मैं यहां के बारे में मैं बात करता हूं, खासकर पश्चिमी प्रशांत महासागर और इस क्षेत्र के तमाम देशों के साथ हमारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल ये रिलेशन हैं, और इस क्षेत्र में अक्सर तनावपूर्ण स्थितियां बराबर बनती रहती हैं। मैं कह सकता हूं कि यह पूरा का पूरा क्षेत्र एक कंफ्लिक्ट हॉटस्पॉट बन गया है, और ऐसे में जब इतना टेंशन हो और पूरा क्षेत्र ही कंफ्लिक्ट हॉटस्पॉट यदि बन गया हो तो हम लोगों को पहले से ज्यादा अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। और मुझे खुशी है कि हमारी यह इंडियन नेवी देश की सुरक्षा के साथ देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी को बखूबी तो निभा ही रही है, बल्कि जो कुछ भी इंडियन नेवी करती है वो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, इंटरनेशनल कम्युनिटी में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान कर रही है। तनाव की स्थिति रही है, उसके पीछे आप लोगों की कार्रवाई और जो अदनान की खाड़ी से मलक्का की ओर शिप्स और सबमेरीन और एयरक्राफ्ट की तेजी से तैनाती आप लोगों ने की है। मैं किस तनाव की बात कर रहा हूं? इंडो चाइना स्टैंड ऑफ की बात कर रहा हूं। उस समय जो आप लोगों ने तैनाती की है इंडियन नेवी, मैं उसकी भी मैं यहां पर प्रशंसा करना चाहता हूं। लेकिन वह दिन दूर नहीं है कि आईएनएस विक्रमादित्य भी बेहतर इस प्रकार के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में बनेगा और दुनिया के दूसरे देशों को हम भेजेंगे। उसको देखने के बाद भी मेरा हौसला बढ़ा है। अब हमारी पहुंच धीरे धीरे हिंद महासागर से बढ़कर प्रशांत और अटलांटिक महासागर तक हो गई है, हो जाएगी और बढ़ेगी इस प्रकार के कैरियर के कारण। और यदि मैं कहूं कि इस प्रकार के जो कैरियर्स बन रहे हैं सचमुच एक ब्रह्मास्त्र के रूप में यह काम करेंगे, तो यह भी कहना एग्जैगरेशन नहीं होगा, यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। कमिश्नरिंग ऑफ दिस इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर नेक्स्ट ईयर विल बी Befitting tribute to the 75 years of India's independence. The combat capability, reach and versatility of the aircraft carrier will add formidable capabilities in the defense of our country and help secure India's interests in the maritime domain. Yesterday, I also reviewed Project Seabird at Karwar, which will be the largest naval base of the Indian Navy in future and will provide the facilities and infrastructure to support the Navy's operations in the Indian Ocean region and beyond. The government is fully committed to a strong Navy, and these two projects are examples of our unwavering focus and our impetus to modernization, harnessing India's indigenous industry and know-how is a key priority.